करते लोगों का कोई जात पात मजहब नहीं होता है, ना वो हिंदू ना मुसलमान, कुछ नहीं, गुंडों की कोई जात नहीं है। किन लोगों की तारीफ कर रहे हो आप? उन माफियाओं की तारीफ कर रहे हो जिनको आपको देखते ही उनके ऊपर थूक देना चाहिए? उन माफियाओं की तारीफ कर रहे हो आप? जो पार्टियां जो कह रही है साजिश है ना, उनको डूब मरना चाहिए जाके, उनको डूब मरना चाहिए कि ये गुंडे का समर्थन कर रहे हैं। योगी जी से कह रहे हैं जितने भी इनको ढूंढ ढूंढ के ठोक इनको जेल में डालो। अगर कोई मस्जिद का पेश माम होता वो मरता, हम उसके लिए दुआ करते, उसको उसके लिए जाते, उसके लिए रोते। अरे गुंडे बदमाश के लिए कौन रोएगा? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं पिंटू आर्यन आपका भाई और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं बता दूं कि इस समय जो है यूपी में जो मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है, ये बताया जा रहा है कि साजिश है सरकार की। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी तरह से लगातार लोगों की हल्लाएं हो रही हैं कि ये साजिश है, और कुछ लोग जो है मुस्लिम समुदाय से है जो समर्थन कर रहे हैं योगी जी की कि अगर मर गए हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ है। तो इस तरह का वीडियो लगातार मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों। अगर चाहते हैं इसी तरह के वीडियो देखते रहें तो सबसे पहले आपको जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया था जो कि जेल में रहते हुए भी लोगों की हत्याएं करवाते रहता था। यूपी में बहुत बड़ा इनका गैंग चल रहा था, पूरे राज्य में चल रहा था, और इस तरह के लोगों को बचने के लिए योगी सरकार ने इन सभी को जेल में रखा हुआ था। दोस्तों लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाए। और लोकसभा चुनाव 2024 भी आने वाली है, लोकसभा चुनाव 2024 में लगातार इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपको सबसे पहले जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना होगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक मिल जाए। लोकसभा चुनाव में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा पार्टी है, कहाँ से लड़ रही है और किस तरह से वोटिंग चल रही है, किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, ईवीएम से वोट होगी या बैलेट पेपर्स पर वोट होगी, ये अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे इस वीडियो के अंत में दोस्तों। जो है एक तो उनकी एज ज्यादा हो गई थी, और उस हिसाब से वो पहले से ही ऑलरेडी बीमार चल रहे थे, और बीमारी के चलते उनको कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया, कई बार उनको जेल शिफ्ट किया गया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और आने वाले टाइम पे मतलब बीमारी उनकी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उनको कई तरह की बीमारी थी, इस चक्कर में उनकी डेथ हो गई। रात में कोई इसको पकड़ नहीं रहा था, पेशेंट मुजरम में कोई मामूली बात होते हैं, ये तो गुंडा की बिल्कुल हकीकत बात को बढ़ावा दिया जा रहा था उसके टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे, अखिलेश के टाइम पे खूब गुंडा को बर्बाद किया जा रहा था। तो उसको आवाज दे रहे थे बिल्कुल बिल्कुल अच्छे थे, और कमाए हमें आए लसन लड़े ये हमें दे तो हम लेते रहेंगे, हम लसन लड़ते रहेंगे, हम जनता चूतिया बना रहे हैं बनाने रहेंगे। तो इसी वजह अखिलेश सरकार को बिल्कुल डाउन किया जाए और योगी सरकार को आगे बढ़ाया जाए, जितना मातम भाई मुंडन भाई अपना आ जाए या हिंदू भाई जब भी आ जाए आगे आ जाए उसको बढ़ाया जाए। हेलो दोस्तों, लगातार आप इस वीडियो को देखे हैं और आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के लिए यूपी के लोग कितने उनके खिलाफ थे। हिंदू भी खिलाफ तो है ही, और मुस्लिम लोग भी उनको देखना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। तो लगातार इसी तरह का वीडियो हमें आप लोगों के सामने लेकर आते रहूँगा दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बातें करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों।